अभी तक तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. आई एम श्योर सब ने गाना देखा होगा, आप लोगों ने भी. और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये गाना, मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग हो गया है. एंड बहुत 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 अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. सो प्लीज़ ऐसे ही हमारा गाना देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए राधा काली को. और आप लोग के प्यार की वजह से यू नो वी आर हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. ये पार्टी या सेकंड पार्टी है क्योंकि सॉन्ग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कंटिन्यूसली मिल ही रहा है. आप रील्स बनना चालू हो गई है और ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है सॉन्ग अभी इंस्टाग्राम पर. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. और ऐसे ही प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये सॉन्ग शेयर करते रहिए. वी वॉन्ट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे क्योंकि जो भी ये देख रहा है उसकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है. नहीं कहीं ऐसा कुछ रिलेट तो नहीं कर पाते बिकॉज हमारी कहानी वी जस्ट होपिंग कि हैप्पी एंडिंग ही हो, सैड एंडिंग ना हो. तो ऐसा कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हम इस कहानी से. हाँ मतलब ऐसा कुछ रिलेट तो नहीं कर पा रहे स्टोरी से, लेकिन ये स्टोरी हर किसी के लाइफ की है और कहानी कहीं ना कहीं अधूरी छूट जाती है, बट वो दी एंड नहीं होता है, वहाँ से नई शुरुआत होती है. तो ये जो है हो सकता है आपको राता काली पार्ट टू भी देखने मिले जहाँ से वापस से एक लव स्टोरी शुरू हो. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मोनिका का तो ये फर्स्ट सॉन्ग है एज अ प्रोड्यूसर एंड शूली रिकॉर्ड्स का ये फर्स्ट सॉन्ग है. तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी तक ये सॉन्ग पहुँचे और शूली रिकॉर्ड्स को हर कोई सब्सक्राइब करे, बिकॉज जो मैं आगे सुन रहा हूँ मोनिका की तरफ से बहुत अच्छे सॉन्ग्स आने वाले और इस लेवल पर आपको जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो और कोई लेवल पर नहीं मिलेंगे. वेरी यूनिक. और जो आपने इस सॉन्ग की क्वालिटी भी जो देखी होगी, ये ऐसे आप आजकल हर जगह ऐसे सॉन्ग्स नहीं देखते जिसमें आपको एक स्टोरी देखने मिलती है. तो इस सॉन्ग के ज़रिए एक स्टोरी दिखाई गई है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉन्ग शुरू हुआ और ख़त्म हो गया और रोमांटिक शॉट्स ले लिए. बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से प्रताप भाई और हरीश भाई ने एक स्टोरी दिखाई है. तो शूली रिकॉर्ड से आप एक्सपेक्टेशन थोड़े हाई रख सकते हो क्योंकि आगे भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे आने वाले यार. देखो धीरे 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 करके आगे बढ़ना ऑफकोर्स कौन नहीं चाहता, तो ऑफकोर्स हम भी यही चाहते हैं आगे बढ़े और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का हमें मौका मिले. तो यस इट्स अ यस. यू नो ये जो एंडिंग है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो होता है ना, तो लोगों को थोड़ा शॉक तो लगता है बट पीपल आर लविंग इट क्योंकि कहीं ना कहीं जो सैड एंडिंग होती है ना वो कहीं वो हार्ट टचिंग होती है. तो लोगों के दिल छू गई है ये एंडिंग एंड जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया वो हुआ. लोगों को लगा था कि एकदम हैप्पी एंडिंग होगी बट ऐसा नहीं हुआ. Oh my God. हम राधा काली की अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं. यार टेलीविजन है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है. तो शादी होने वाली है, अब देखते हैं क्या शादी में ड्रामा होगा. आई नो अब मैंने ये न्यूज़ सुनी है बट राइट नाउ हम लोग यू नो राधा काली के आए हैं. आई वुड लव टू टॉक अबाउट राधा काली बट टॉकिंग अबाउट द शो आई हैव लॉट ऑफ मेमरीज अटैच टू द शो एंड राइट नाउ नॉट पार्ट ऑफ इट. काफ़ी साल हो गए यार अब वो शो छोड़े हुए. अब तो मेरी मेमरीज कुंडली भागे के साथ जुड़ गई है तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा